वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इन पांच सवालों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आज का सवाल जो है वो साधारण ब्याज के आधार पर ही है। तो क्वेश्चन ये है, किसी मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 0.36/4 गुना है, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो समय क्या होगा। तो जब क्वेश्चन में समय और दर समान हो, तो समय या दर निकालने का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट में m/n × 100 के फॉर्म में फार्मूला होता है। तो इसको हम क्वेश्चन में ये जो गुना दिया है ये m/n के फॉर्म में है, तो इसको इस जगह रख देते हैं, फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो 0.36/4 × 100 ये फार्मूला होता है। तो रखा तो इसमें डेसिमल हटाया तो नीचे दो जीरो बढ़ गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये 36 का स्क्वायर रूट होता है, पहले 36/4 लिख देते हैं, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 × 3 = 6, 3 वर्ष आया। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आया वो 3 वर्ष आया, समय जो निकला वो 3 वर्ष है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 64/81 भाग है, यदि दर, यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है। तो इसमें भी राशि जो है साधारण ब्याज का इतना भाग है, तो समय और दर समान जब होता है तो फार्मूला निकालने, समय या दर निकालने का जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट में m/n × 100। तो ये जो है m/n के फॉर्म में है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया 64/81 × 100। तो 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9 × 10, 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो ये हो गया 10/8 = 80/9। डिवाइड करते हैं 9 × 9 = 72, 72 हासिल लगा, 9 × 72 बचा रिमाइंडर, 80 में से 72 गया 8/9। तो आंसर जो आया वो 8/9 वर्ष आया। तो जब भी क्वेश्चन में दर या समय दिया होता है तो दर या समय में से किसी एक को निकालना हो तो फार्मूला इसी फार्मूले के आधार पर सवाल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज उसका साधारण ब्याज का 49% है, यदि दर और समय के संख्यात्मक मान समान हो तो समय क्या है। तो वही, जब दर और समय समान होता है तो दर और समय समान होने की वजह से इसका जो फार्मूला होता है वो अंडर रूट में m/n × 100 होता है। तो फार्मूले में पुट करते हैं तो ये जो 49% है इसको m/n के फॉर्म में लिख देते हैं, m/n 49% के फॉर्म में है, इसको 49% को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में, 49/100 हो गया। तो ये जो वैल्यू है m/n के फॉर्म में आ गया, वैल्यू पुट करते हैं 49/100 × 100, 100 में से 100 कैंसिल हो गया, तो बचा 49 आया, अंडर रूट में 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो 7 समय जो आया 7 वर्ष आया, समय 7 वर्ष आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3% है, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% है, तथा उसके अगले 2 वर्षों के लिए 6% दर है, तो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज जो है 660 रुपये आता है, तो मूलधन क्या है। तो इसमें मूलधन पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। पहला समय जो है T1 जो है वो 2 वर्ष है, तो दर जो है R1 3% है, T2 जो है 3 वर्ष है, तो दर जो है
5% है। टी टू टी थ्री जो है 2 वर्ष है, तो आर थ्री जो है 6% है। तो साधारण ब्याज जो आया वर्षों की समाप्ति पर साधारण ब्याज जो आया 660 रुपये आया। तो साधारण ब्याज को एक्स मान लेते हैं। तो जब मूलधन निकालना है तो मूलधन का जो फार्मूला है, तो साधारण ब्याज को पहले फार्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन 100। इस फार्मूले से मूलधन निकालेंगे। तो यहाँ पे दर जो दिया है 3 बार दिया है, समय जो दिया है 3 बार दिया है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को एक्स मान लेते हैं, एक्स पी आर टी अपॉन 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू 100 बटे आर टी इक्वल टू पी। यहाँ पे क्वेश्चन में टी वन टी टू टी थ्री आर वन आर टू आर थ्री दिया है। तो हम फार्मूले इसी के अकॉर्डिंग हम फार्मूले में फार्मूला बनाते हैं। एक्स इंटू 100 आर टी दिया है, तो यहाँ पे आर वन आर टू आर थ्री टी वन टी टू टी थ्री दिया है। तो हम रखेंगे आर वन टी वन आर टू टी टू प्लस आर थ्री टी थ्री इक्वल टू पी। ये फार्मूला होता है डायरेक्ट मूलधन निकालने का फार्मूला, जब क्वेश्चन में आर वन आर टू आर थ्री टी वन टी टू टी थ्री दिया हो तब। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन तो फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पे मूलधन निकालने का जो फार्मूला आया है एक्स इंटू 100 आर वन गुणे टी वन आर टू गुणे टी टू आर थ्री गुणे टी थ्री। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे साधारण ब्याज दिया है 660 इंटू 100, आर वन दिया है 2 गुणे 3, आर टू दिया है 3 गुणे आर टू और टी टू दिया है 5। वैल्यू पुट करते हैं, मतलब 3 गुणे 5 6, 6 गुणे 2। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो 660 इंटू 100 3 दूनी 6 5 तीन 15 और 6 दूनी 12 12। तो ये हो गया 12 और 6 18 12 6 18 18 पे 15 जोड़ा 8 5 13 13 की 1 1 और 1 2 2 में 1 जो 3। तो ये हो गया 660 इंटू 100 और ये हो गया 33 आया। तो 33 1 जा 33 33 दूनी 66 एक जीरो लगा 20 हो गया। तो 100 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 100 का मल्टी 20 गुणे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 रुपये। तो जो राशि उसको मिली 2000 रुपये आई, 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3% है, यानी कि टी वन जो दिया है वो 2 है और आर वन जो दिया है 3% है। अगले 5 वर्षों में दर जो दिया है 2.4% है और टी थ्री जो दिया है वो 3 वर्ष है और दर जो दिया है आर थ्री 4% है। तो कुल समय की समाप्ति पर ब्याज जो आता है वो 75 रुपये आता है, 75 रुपये। तो उस मूलधन की राशि क्या होगी, पी। तो फार्मूला निकालते हैं, पी का जो फार्मूला है मूलधन निकालने का जो फार्मूला होता है एक्स इंटू 100 आर वन गुणे टी वन आर टू गुणे टी टू आर थ्री गुणे टी थ्री। इस फार्मूले से मूलधन निकालते हैं। तो 75, एक्स की वैल्यू 75 इंटू 100, आर वन दिया 3 और टी वन दिया 2, आर टू दिया 2.4 और टी टू दिया 5, आर थ्री दिया 4, टी थ्री दिया 3। तो 75 गुणे 100 3 दूनी 6 24 5 120। डेसिमल एक अंक के पहले लगाया तो एक अंक के पहले डेसिमल लगाया, 4 3 12। तो 4 3 12 तो 75 गुणे 100 तो ये 12 दूनी 24 24 और 6 30। तो इसको हम 15 से काटते हैं, 15 दूनी 30
पंद्रह पचे पचहत्तर, टू से काटते 2 5 10 जीरो, तो आंसर क्वेश्चन तो 5 × 50 आया। 5 × 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 25 ₹250 आया, तो जो राशि हुई ₹250 आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।